आज हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, आज हर कोई चाहता है कि वो उसकी जो लाइफ है दैट शुड बी ऑन क्रूजिंग मोड. सो इफ आई एम ड्राइविंग अ कार एंड आई वॉन्टेड टू क्रूज, सो आई कैन डू टू थिंग्स. फर्स्ट इज कि मैं एक्सेलेरेटर का पेडल दबा दूं, लेकिन उससे गाड़ी को कुछ डैमेज हो सकता है. सेकेंड इज टू रिलीज द हैंड ब्रेक. जो हम लोग की लाइफ है इसमें जो नेगेटिविटीज हम लोग के चारों ओर, ये एक हैंड ब्रेक का काम करती है. हम लोग से कोई नहीं बोलता कि हम लोग कुछ काम कर सकते हैं. एवरीवन विल से यू कांट एक्सेप्ट योर पेरेंट्स. सो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं, अगर कोई वर्ड है कांट, सो आई नॉक द टी आउट ऑफ कांट एंड दस आई कैन. अगर मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, अगर मैं कोई भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, सो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे वो काम क्यों करना है. माई वाई शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर मुझे पता है कि मुझे क्यों करना है, कैसे करना है, ये खुद ब खुद निकल आए. सो आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसलिए करना है कि मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर गर्व करें. मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इसलिए कुछ बड़ा करना है कि पूरी दुनिया मुझे जाने. सबसे पहले तो हम लोग को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी होती है. अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है एंड दैट इज माई प्रायोरिटी, सो जो बाकी सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको मुझे कट ऑफ करने हैं. अभी मेरी क्या प्रायोरिटी है मुझे पता है, और अगर मुझे पता है तो आपको भी पता है. और डेफिनेटली बात मानिए मेरी, अगर डेफिनेटली अगर आप डिसिप्लिन हो लाइफ में, अगर आप माने कि जो मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया है वो 10 ही मिनट लास्ट करें, अगर मैंने डिटरमिन कर लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है तो चाहे जहां यहां से वहां हो जाए मैं वो करके दिखाऊंगा. अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ प्रूफ करके दिखाना है तो मैं 100% अपनी पूरी जी जान शक्ति लगा के वो प्रूफ कर दूंगा. सो मैं वो कर सकता हूं जो कोई भी नहीं कर सकता है. मैं असंभव को संभव कर सकता हूं, और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं. सो रेदर देन कि आपको दूसरा कोई मोटिवेट करे, आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होने का ट्राई कीजिए. जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होने की ट्राई करेंगे तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत बनेंगे. आप एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करेंगे और जो भी आपके कॉन्टैक्ट में आएगा वो भी उस पॉजिटिव एनर्जी से अवगत होगा. सो इस टाइम पे आपको और मुझे, हम दोनों साथ में एक प्रॉमिस करते हैं कि इस टाइम को हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और अपनी जी जान लगा के मेहनत करेंगे, और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें 100% अपना पोटेंशियल यूटिलाइज करने का मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ, और आप भी कीजिए. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.